वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वक्त बहुत बुरी खबर आप सभी लोगों के लिए। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आप देने जा रहे थे तो इस पूरी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। आज 9/11 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2018। इसको मैं जल्दी से ओपन करता हूँ और आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या कहा गया है। ये नोटिफिकेशन ओपन कर लिया मैंने, जिसमें यहाँ पर साफ केंद्रीय चयन परिषद भर्ती जो कि सिपाही भर्ती के लिए है, वेबसाइट CSBC की, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 2/2018 के रद्दीकरण की सूचना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरी नोटिफिकेशन को मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के विज्ञापन 2/2018 जो कि 25/5/2018 द्वारा विज्ञापित बिहार पुलिस में सिपाही के लिए 9900 और बिहार अग्निशमन सेवा के लिए जो है वो 1965 पदों पर जो कि विज्ञापन जारी किया गया था, उस संबंध में पुलिस महानिदेशक बिहार के कार्यालय जो कि 811P03 दिनांक 9/11/2018 के माध्यम से सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2018 को रद्द करने का निर्णय संसूचित किया गया है। तदनुसार केंद्रीय चयन परिषद भर्ती के विज्ञापन संख्या 2/2018 को रद्द किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, उक्त विज्ञापन के आलोक में 25/11/2018 रविवार को दो पाली में एवं 2/12/2018 रविवार को एक पाली में लिखित परीक्षा भी होनी थी और उसको भी यहाँ पर रद्द किया जाता है, ये साफ लिखा हुआ है। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो कि जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था, सब कुछ जो है पूरी तैयारी कर ली गई थी कि 25 नवंबर को एग्ज़ाम होगा और 2 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बुरी खबर है आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जैसे ही वेबसाइट पर अपलोड हुआ है और हमने आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।